सर दोस्तों, आज आपका स्वागत है पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकार की नौकरी से कितना मन प्रसन्न होता है, सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में और भी रास्ते हैं जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। सरकार की नौकरी के साथ एक बेहतर लाइफ होती है। सबकी इच्छा होती है धन कमाने की, सब कुछ पाने की, तो सरकार की नौकरी से काफी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपनी हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीने के स्तर के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक जाते हैं उसके बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले जो हमारे हस्तरेखा में तीन मुख्य पर्वतों का, तीन मुख्य रेखाओं का योगदान काफी माना जाता है कि आपको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में लेके जाएंगे। और सबसे पहले जो धन का कारक माना जाता है वो शनि देव को माना जाता है, क्योंकि शनि देव न्याय के कारक हैं, न्याय करते हैं, कर्म का फल देते हैं। दूसरा, ये हमारे गुरु का पर्वत है, ये आपके बुद्धि के कारक है, विवेक के कारक है, आपके ज्ञान के कारक है। तीसरा, ये हमारे सूर्य का पर्वत, ये शनि का पर्वत, ये गुरु का पर्वत। अगर आपका गुरु का पर्वत उठा हुआ है, उन्नत का है, तो आपको मान सम्मान प्राप्त हो जाएगी, आपको सरकार के क्षेत्र में नौकरी का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकारी का योग कैसे बनता है। जीवन में सभी लोग सरकारी नौकरी का सेवा पाना चाहते हैं। अगर आपकी ये भाग रेखा ये मून के क्षेत्र से चलकर आपकी ये सन के माउंट तक पहुंचती है तो आपकी भाग जो है काफी भाग्यशाली है, आपका भाग्य काफी प्रबल है, आप सरकार की क्षेत्र में अवश्य जाएंगे। ऐसी भाग्य रेखा जीवन के सुख और समृद्धि के बारे में बताती है, विकास के बारे में बताती है, आपका जो भाग्य काफी प्रबल है उसके बारे में बताती है। जितनी बड़ी भाग्य रेखा उतना बड़ा आपका भाग्य प्रबल है। अब ये सन के माउंट पे पहुंचने वाली जो भाग रेखा है ये आपके मान सम्मान में वृद्धि तो कर रही है। यहां पर अगर एक स्टार का शुभ साइन बनता है, स्टार प्रॉपर होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अगर स्टार आपका पूरा है तो ये क्या करता है, आपके गुणों को एम्पलीफाई करता है, आपके गुणों में क्वालिटियां भर देता है, आपको सरकार से काफी बेनिफिट मिलता है। ऐसे लोग अगर एक रेखा इसी हमारी भाग रेखा से चलकर इस सन के क्षेत्र से अगर ये के गुरु के पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे लोग सरकार की सेवा में रहके उच्च पद तक प्राप्त करते हैं, प्रशासनिक सेवा तक जाते हैं। दूसरा, ये भाग रेखा अगर ये शनि के पर्वत से भी चलती है तो ऐसे लोग भी सरकारी क्षेत्र में अवश्य लाभ उठाते हैं, लेकिन उनका जो प्रोफेशनल होता है अपने काम को लेकर ज्यादा होता है, और ये सरकार की नौकरी से ज्यादा जोड़ के रखता है, ये अपने प्रोफेशनल के साथ अपना बिजनेस और व्यापार के दम पे इंसान काफी नाम और तरक्की करता है। अब यहां पे अगर ये हमारा गुरु का क्षेत्र है, गुरु के पर्वत हमेशा ग्रहों की स्थिति को बढ़ा देता है। जितना अच्छा पर्वत है, जितने अच्छे पर्वत पे अच्छे प्रभावशाली अगर आपके पर्वत पर ये चिन्ह है, शुभ साइन है, तो उसकी क्वालिटियों को बढ़ा देते हैं। जैसे यहां पर एक त्रिकोण बनता है, त्रिकोण आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, प्रशासनिक सेवा देता है, राजनीति भी देता है आपको। जैसे गुरु का है, गुरु एक विस्तार का ग्रह माना जाता है,
आपके विवेक और बोलीबाणी के बारे में भी दर्शाता है, वैसी प्रशासनिक सेवा भी देता है। और यहीं पर अगर स्टार बनता है, इसी के क्षेत्र पे स्टार बन जाता है, स्टार इसके गुणों में परिवर्तित करता है, बढ़ा देता है इसकी पावर को। अब यहां पे मान सम्मान भी प्राप्त करता है इसी के साथ। और ये बुध का जो पर्वत है ये भी उन्नत का होना चाहिए, क्योंकि बोली वाणी का जो कारक होता है वो बुध ग्रह को हम मानते हैं, बुध का पर्वत मानते हैं। और सबसे जो देखने वाली है किस क्षेत्र में सफलता मिलती है, सरकार के क्षेत्र में तो आप जाएंगे लेकिन किस क्षेत्र में जाएंगे वो भी देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा रेखा। ये जीवन रेखा से चलकर इस हमारे गुरु के पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा को हम महत्वाकांक्षा रेखा बोलते हैं। जिंदगी में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती है इस साल, क्योंकि आपके अंदर जो विकास हुआ है, जो आपके अंदर प्रयास हुआ है, जो आपने मेहनत किया है, सफलता पाया है, उस साल आपको अवश्य सरकार से नौकरी मिलती हुई दिख रही है और आप इस साल अवश्य सरकारी नौकरी का फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।